इस वक्त बड़ी खबर हम आपको बता दें, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और जया बच्चन की आज संसद में मुलाकात हुई। सोनिया गांधी के कमरे के बाद जब दोनों का आमना सामना हुआ तो दोनों पहले एक दूसरे को देखकर मुस्कुराई और फिर एक दूसरे को हेलो कहा। ये बड़ी खबर, ये इसलिए हम आपको कह रहे हैं क्योंकि संबंध इनके अच्छे नहीं है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। पारिवारिक संबंध में हमेशा से इनके कुछ कड़वाहट रही है और आज जब इस तरह से दोनों मुस्कुराई है तो खबर तो बनती है। हमारे साथ रजत राकेश टंडन जुड़ रहे हैं। रजत, देखिए एक दूसरे के साथ मिलना, हेलो कहना कोई खबर नहीं है, लेकिन इन दोनों का आमने सामने आना, मुस्कुराना और हेलो कहना बड़ी खबर है। देखिए, मुझे लगता है एक लंबे अरसे बाद गांधी परिवार और बच्चन परिवार आमने सामने था, और एक अच्छी नोट, क्योंकि मैं वही खड़ा हुआ था। गोपाल कृष्ण गांधी को जाना था नॉमिनेशन के पेपर्स को भरने राज्यसभा सेक्रेटेरिएट की तरफ। सोनिया गांधी, यानी जो पहला कमरा है जब आप गेट नंबर एक से घुसती हैं, अपने कमरे से बाहर ही निकली थी, वो भी राइट साइड से उनको जाना था, और अपोजिट साइड से जया बच्चन आ रही थी। तो आप कह सकते हैं सोनिया गांधी ने दरवाजा खोल के बाहर आई, जया बच्चन सबसे सामने आप कह सकती हैं कि मूव कर रही थी। दोनों का फेस ऑफ हुआ, बिल्कुल करीब से हुआ। उसके बाद दोनों ने एक दूसरे को ग्रीट किया, स्माइल किया, हेलो बोला, हाउ आर यू, मतलब एक दूसरे का हालचाल लिया, और उसके बाद स्माइल करके दोनों लोग निकल गए। तो एक आप कह सकते हैं बड़ी चीज थी। एक लंबे समय से गांधी परिवार और बच्चन परिवार के बीच में दूरियां थी, लेकिन आज जब इत्तेफाकन सोनिया गांधी कमरे से बाहर निकल रही थी और जया बच्चन सामने पड़ी, तो एक अच्छा आप कह सकते हैं ग्रीटिंग्स एक्सचेंज हुई जया बच्चन और सोनिया गांधी के बीच में। बहुत ही अच्छी बात है, पार्टियां हाथ मिला चुकी हैं, अगर ये दोनों परिवार भी एक हो जाए तो अच्छी ही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए।